भिंड पुलिस के द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई जारी है। लहार में होना के बाद अब सुरपुरा पुलिस ने अवैध शराब पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए जमीन में गड्ढा खोदकर रखी 36 पेटी देसी शराब बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया, सुरपुरा थाना प्रभारी अमित सिकरवार को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने गोडा में जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर अवैध शराब रखे हुए हैं और चुनाव के समय खपाने की तैयारी है। सूचना पर सुरपुरा थाना प्रभारी अमित सिकरवार ने अपनी टीम के साथ गोले उर्फ बलकरण के यहाँ दबिश दी तो सब्जी के पेड़ों के बीच में जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर छिपा कर रखी गई 36 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई शराब की कीमत 1,30,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 34/2 आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से बरामद शराब के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। मिली है जिसमें थाना सुरपुरा पुलिस द्वारा एक बड़ी सटीक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्थान पर शराब को गोपनीय तौर पर छुपा कर रखा गया है और बड़ी मात्रा में शराब है, तो इस पे तत्काल थाना प्रभारी और टीम द्वारा दबिश दी गई ग्राम चिलोंगा में। और वहाँ पे एक विशेष बात ये देखी गई कि शराब को जमीन पे गाड़ के रखा था, तो पूरी उसको खोल करके शराब निकाली गई है और 36 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी गई है। अब इस संबंध में विवेचना में स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार ये शराब प्राप्त की गई और इसमें कौन कौन संलिप्त है।